हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा बेस्ड रहेगा ऑन इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। अब ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया ने कौन कौन से रिसर्च स्टेशंस आर्कटिक सर्कल में, आर्कटिक रीजन में एस्टेब्लिश किए हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाई वाज इट इन न्यूज। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस has unveiled India's Arctic policy, which is titled as India and the Arctic, building a partnership for sustainable development. अब ऐसा कहा गया है by the WWF Arctic report that Arctic region is warming as fast as twice the rate of global average. अब इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग तो आपको हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन जो आर्कटिक रीजन में है इसकी जो स्पीड है वो ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है, जितने भी आइस शीट्स हैं वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो रही होंगी, राइट। सो इसका मतलब क्या है, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द आर्कटिक रीजन इज ह्यूज, राइट। सो यहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, उन्होंने अपनी आर्कटिक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत वो कहना क्या चाह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके इन दी आर्कटिक रीजन, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश हमारे बहुत सारे कन्वेंशन से चल रही है, फॉर एग्जाम्पल पेरिस क्लाइमेट, जो रिसेंटली COP26 हुआ था, एंड सो ऑन। So, यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट है इन द आर्कटिक रीजन उसको हम नेग्लिजिबल कर पाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक रीजन ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, इट कवर्स 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। अब काफी ज्यादा लैंड है और जो कि 24/7 into 365 डेज क्या रहता है, फ्रोजन रहता है, राइट। आपको पता है कि जो भी फ्रोजन रहता है, जहां पर आपको आइस शीट्स देखने को मिलती हैं, वहां पर एल्बिडो रेट हाईएस्ट होता है। एल्बिडो का मतलब क्या है, जो भी सन रेज आ रही हैं उनकी रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है इन दी आइस शीट्स। अब क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रही है, आइस शीट्स जो है वो पिघल रही है। अगर आइस शीट्स पिघल रही है, दैट मींस जो एल्बिडो है वो भी कम हो जाएगा, रेट ऑफ एल्बिडो विल बी लेस। अगर रेट ऑफ एल्बिडो विल बी लेस, मतलब रिफ्लेक्शन कम होगी, दैट मींस जो आपकी आइस शीट्स है वो और भी ज्यादा पिघलनी शुरू हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको कवर करेंगे। इट इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, इट इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आप देखिए, मेंस में आपसे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, राइट। सो अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना एरिया कवर करता है, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मोस्टली आइस बाउंड सीज। सो आप देख सकते हैं जो आइस बाउंडेड सीज है, 30% ऑफ अनडिस्कवर्ड गैस डिपॉजिट्स। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है जो इंडिया है वो क्या है, डिपेंडेंट रहता है किस पे, ऑयल एंड क्रूड ऑयल पे। सो अब इसका मतलब क्या है, जो आर्कटिक रीजन है, क्योंकि वहां पर 30% ऑफ अनडिस्कवर्ड क्या देखने को मिलते हैं आपको, गैस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इंडिया का जो एजेंडा है इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको अनडिस्कवर्ड ऑयल गैस रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है, दैट इज 13% ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स। सो यहां पर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की वजह से इंडिया जो है वो काफी ज्यादा इस एरिया में इंटरेस्ट ले रहा है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक के लिए आपको डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इस स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि आप यहां से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि आर्कटिक का रीजन इंपॉर्टेंट ही क्यों है, क्यों हमारे इंडिया ने एक्सप्लिसिटली एक पॉलिसी बनाई है विद द नेम इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। अब क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है कि ये जो अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं
उनमें इंडिया को कोई कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए। ठीक है जी, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक। अब देखिए आर्कटिक के तहत एक आर्कटिक काउंसिल बनाई गई है। अब वो आर्कटिक काउंसिल क्या है वो देख लीजिए। ये एक काउंसिल है जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी 1996 में बाय द ओटावा डिक्लेरेशन। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द ओटावा डिक्लेरेशन। आपको प्रिलिम्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ओटावा डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज रिलेटेड विद द आर्कटिक। Right, so it is a intergovernmental forum for promotion of cooperation, coordination and interaction between the Arctic states. जितनी भी Arctic states आपकी exist करती हैं, उनके बीच में collaboration और cooperation के लिए ये organization बनाई गई है। अब कब बनाई गई थी? You have to remember 1996. ठीक है जी, so member states, जितने भी आर्कटिक रीजन को लगे हुए स्टेट्स हैं वो सारे ही सारे क्या हैं? दे आर दी मेंबर्स ऑफ दी आर्कटिक काउंसिल। अब कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं। ऑब्जर्वर मेंबर्स का मतलब क्या है? दे आर नॉट दी परमानेंट मेंबर्स बट दे आर दी ऑब्जर्वर मेंबर्स। अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो इंडिया है वो एक ऑब्जर्वर मेंबर है, जो इंडिया है वो एक ऑब्जर्वर मेंबर है। राइट, सो इंडिया भी है चाइना भी है, दोनों याद रखिए। सो हम परमानेंट मेंबर नहीं है बट हमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ठीक है जी, सो डिसीजंस क्या है? द डिसीजंस, रिकमेंडेशंस और द गाइडलाइंस ऑफ द आर्कटिक काउंसिल आर नॉट एनफोर्सिएबल। अब इसका मतलब क्या है कि ये बाइंडिंग नहीं है, इट इज नॉन बाइंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहां से आपके प्रिलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्कटिक काउंसिल कब बना था, ओटावा डिक्लेरेशन क्या है, इनकी मेंबर स्टेट्स कौन कौन सी हैं, इंडिया क्या एक इसका मेंबर है या फिर ऑब्जर्वर मेंबर है, क्या इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग ऑन दी स्टेट्स है। सो इट इज नॉन बाइंडिंग, दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर। राइट, सो आर्कटिक काउंसिल में आप देख सकते हैं जितने भी आपके आर्कटिक रीजन से लगे हुए नेशंस हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कहलाते हैं। सो बीट कनाडा, बीट ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ऐसे ही अलास्का का कुछ पार्ट। अलास्का किसके तहत है? दैट इज यूएसए के तहत है। तो यूएसए भी इसका क्या बन जाता है? एक मेंबर कंट्री बन जाता है। राइट, सो जो आर्कटिक रीजन है जिसमें नॉर्थ पोल आपका एग्जिस्ट करता है वो जो एरिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। I hope I'm clear. ठीक है जी, so next आता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हो क्या रहा है? मैंने आपको बताया कि जो आर्कटिक रीजन है वो दो गुनी स्पीड से पिघल रहा है। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? दैट इज इन द आर्कटिक रीजन। राइट, सो इसका मतलब क्या है कि जब भी आइस शीट्स आपकी मेल्ट होंगी, जब भी आइस शीट्स आपकी मेल्ट होंगी मतलब जो एल्बिडो है वो कम हो जाएगा। अगर एल्बिडो कम हो जाएगा मतलब जो रिफ्लेक्ट करने की पावर है वो कम हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्ट करने की पावर कम हो जाएगी दैट मींस जो पानी है वो और भी ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा इसका मतलब क्या है? जो आइस शीट्स हैं वो और भी ज्यादा पिघलनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। यू कैन सी द डायग्राम, इससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, जो ओपन वाटर के एल्बिडो होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू आइस शीट्स, क्योंकि आइस और स्नो का एल्बिडो सबसे ज्यादा है। अगर आइस शीट्स पिघल जाएंगी तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर पानी में कन्वर्ट हो गई इसका मतलब रिफ्लेक्शन कम हो रही है। अब अगर रिफ्लेक्शन कम हो रही है मतलब पानी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? जो आइस शीट्स हैं वो और भी ज्यादा पिघलनी शुरू हो जाएंगी, विच इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तभी आपको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। I hope I'm clear. ठीक है जी, so this is Arctic amplification. अब देखिए ये background देखते हैं कि जो ये Arctic policy है इंडिया की वो कैसे बननी शुरू हुई। So India's engagement with Arctic began when it signed the Svalbard Treaty in 1920. अब आप कहेंगे 1920 में तो इंडिया आजादी नहीं था, तो यहाँ पर ब्रिटेन ने पार्ट लिया था और इसके जितने भी overseas dominion states हैं वो भी participate कर रहे हैं। So, इसका मतलब क्या है? हमने 1920 से यहां पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, विच इज द स्वालबर्ड ट्रीटी।
या यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट वॉज साइंड इन 1920, ठीक है जी। एक्टिव पार्टिसिपेशन आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमारी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो कब स्टार्ट हुई, 2007 में स्टार्ट हुई। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर। सो 2017 में इंडिया इनिशिएटेड इट्स आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम इन 2007 विद अ फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज इन द रीजन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहां पर उसके कितने इंपैक्ट्स हैं। अब देखिए हमारे लिए आर्कटिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है इंडिया में जो हिमालयाज हैं उनको कहा जाता है द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पर क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है इस रीजन को, तो हम अच्छे से अपने हिमालयाज को भी मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो रीजन है नॉर्थ पोल का और जो हिमालय के अपर रीजन हैं उनको मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 2007 से इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन दिस। अब कुछ हमारे रिसर्च स्टेशन हमने एस्टेब्लिश किए हैं इन द आर्कटिक जोन, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इंडियन रिसर्च स्टेशन जो कि आर्कटिक में एस्टेब्लिश हुआ था उसका नाम है हिमाद्री। सो हिमाद्री इज इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस इन नॉर्वे। नॉर्वे में इसको एस्टेब्लिश किया गया है जहां पर हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जिससे कि हम अपने रीजन को हिमालय रीजन को अच्छे से मैनेज कर पाए। Right, so to conduct research on the dynamics and mass budget of Arctic glaciers, focusing on the effect of glaciers on the sea level change. So sea level change कैसे हो रहा है, जो climate change की वजह से जो impact है वो Arctic की ice sheets पे कैसे हो रहा है, उसके बारे में हमने research करने के लिए एक research station establish किया था जिसका नाम क्या है, that is Himadri. I hope I'm clear. ठीक है जी, ऐसे ही एक हमने अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी भी इस्टेब्लिश की है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंड आर्क। सो इंड आर्क एक ऑब्जर्वेटरी है, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, किसकी, इंडिया की। वो जानना क्या चाहते हैं, अगेन दे वॉन्ट टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्कटिक रीजन एंड द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, सो इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी इज द फर्स्ट इंडियन अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन। नाउ यहां पर दो कीवर्ड्स हैं, पहली ऐसी अंडर ऑब्जर्वेटरी है जो कि अंडर वाटर है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट इट वॉज डिप्लॉयड इन 2014 एट द कॉन्ग्सफोर्डन फ्योर्ड स्वालबार्ड इन नॉर्वे विच फॉल्स इन द मिडल ऑफ नॉर्वे एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की गई थी जो इंडिया की पहली कहलाई जाती है। ठीक है जी, सो द मेन गोल ऑफ डिप्लॉइंग दिस ऑब्जर्वेटरी इज टू स्टडी द आर्कटिक क्लाइमेट। जो भी आर्कटिक का क्लाइमेट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसका एनालिसिस करना वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन मेनी वेज द आर्कटिक क्लाइमेट इंपैक्ट्स द मॉनसून सीजन, हेंस द इंड आर्क रिसर्चेस ऑन दैट टू। सो यहां पर क्या है, जो आर्कटिक क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा मॉनसून को इंपैक्ट करता है, तो उसकी स्टडी के लिए उसके रिसर्च के लिए वहां पर अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ठीक है जी, सो दोनों याद रहेंगे आपको, दैट इज एक हिमाद्री, ठीक है, और दूसरा क्या है, इंड आर्क ऑब्जर्वेटरी। आई होप आई एम क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है कि इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने इसको 6 सेंट्रल यूनिट्स में बांटा है। नंबर वन हमारा मकसद क्या है, दैट इज साइंस एंड रिसर्च। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं इस आर्कटिक रीजन में, ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि अगर वहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और जो ह्यूमन एडवांसमेंट है उसको कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पिलर है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, देख लीजिए जो आइस शीट्स हैं वो पिघल रही हैं, अगर आइस शीट्स पिघल रही हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में।
इसका मतलब क्या है, यहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, शिपिंग सेक्टर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब तक तो आइस शीट है तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो यहां पर फ्लरिश नहीं हो सकती, लेकिन जो आइस शीट्स हैं अगर वो पिघल रही हैं, इसका मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के बारे में भी सोच रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो यहाँ पर गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बात हो रही है, क्योंकि इंडिया आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर स्टेटस पाया हुआ है, दैट इज मेंबर कंट्री नहीं है बट ऑब्जर्वर मेंबर है, तो यहाँ पर हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। अब जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्च वहां पर की जाएगी उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने इंडिया में, कहाँ पर, दैट इज इन दी हिमालयस। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जो इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लीज रीड इट। नंबर वन, टू एनहांस इंडियाज कोऑपरेशन विद द आर्कटिक रीजन, टू हार्मोनाइज पोलर रिसर्च विद द थर्ड पोल विच इज नोन एज द हिमालयस। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्कटिक रीजन और हिमालयस के जो अपर रीजन है आपको सिमिलर पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, तो जो भी रिसर्च है हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे हिमालयस को रिवाइव करने के लिए, ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड पॉइंट क्या है, टू कंट्रीब्यूट टू द एफर्ट्स टू एनहांस ह्यूमन काइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन, क्योंकि नॉर्थ पोल पे हैबिटेबल जोन बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, वहां पर ह्यूमंस नहीं लाए करते, तो वहां पर तभी रिसर्च सेंटर्स बनाए जाते हैं कि हम जान सके कि ह्यूमंस और जो नॉर्थ पोल है वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन कंबैटिंग द क्लाइमेट चेंज। सो वहां पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज टू एडवांस द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्कटिक विद इन इंडिया। सो जो भी हमारे यहाँ पर जो भी रिसर्च हुई है उसको हम एनालाइज करके इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है जी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आर्कटिक पॉलिसी। सो अब रेलेवेंस क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, ड्यू टू द शिपिंग रूट्स दैट रन थ्रू इट। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि जो आइस शीट्स हैं वो मेल्ट कर रही हैं। जब यहां पर आइस शीट्स मेल्ट कर रही हैं, इसका मतलब इट हैज बीन कन्वर्टेड टू वाटर, तो यहां पर जो ट्रेडिंग और कम्युनिकेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। जब ट्रेडिंग एंड कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी तो यहां पर जो अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं उनको इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है, इंडिया एक बेनिफिशियरी बन सकता है, ठीक है जी। सो यहां पर ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो रेलेवेंस ये है। नंबर टू, द रीजन होल्ड्स इमेंस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एज द आर्कटिक इज प्रोजेक्टेड टू बी आइस फ्री एंड द वर्ल्ड पावर्स मेकिंग अ बी लाइन टू एक्सप्लॉइट द रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्कटिक रीजन है वो 2050 तक आइस फ्री हो जाएगा। अब मतलब आइस फ्री हो जाएगा इसका मतलब क्या है, वहां पर ट्रेडिंग शिपिंग रूट्स बहुत आसानी से एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो जितने भी वहां के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यहां से इंडिया की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सकती है। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ आर्कटिक फॉर इंडिया। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, देखिए सबसे पहले क्या है, जो हमारी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ऑन इंडियाज एंगेजमेंट विद द रीजन। अब यहां पर हमने एक्सप्लिसिटली इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी बनाई है। अगर हमने इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी बनाई है इसका मतलब क्या है, हमारा कोर फोकस वहां पर होगा, तो ये पहला स्टेप है जहां पर हम इस रीजन में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, राइट। नंबर टू आता है, दैट इज द पॉलिसी इज आल्सो लाइकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द आर्कटिक विद इन इंडिया एंड वाइस वर्सा। सो यहां पर हम अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्कटिक रीजन है उसको बचाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड पॉइंट आता है दैट इंडिया मस्ट आल्सो ऑफिशियली अपॉइंट एन आर्कटिक एम्बेसडर रिप्रेजेंटेटिव who will represent and voice India's perspectives on Arctic affairs. So, यहाँ पर way forward है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो Arctic ambassador भी employ कर देना चाहिए, जिससे कि यहाँ की जो management है,
जो एनालिसिस विंग है वो और भी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डेडिकेटेड एक्सपर्ट कमिटी। सो यहाँ पर हम एक एक्सपर्ट कमिटी बना सकते हैं जिससे हम स्ट्रीमलाइन कर सके कंट्री की अप्रोच, इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स द आर्कटिक रीजन। राइट, सो दीज आर द वे फॉरवर्ड जो कि आप आंसर में लिख सकते हैं। सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ आर्कटिक रीजन एंड इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।